तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 2010 में रिलीज हुई एक मूवी पर जिसका नाम है द घोस्ट राइटर। ये मूवी पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं की है और ये एक बेहतरीन मूवी है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने दी है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 77 आउट ऑफ 100। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े शिप के अंदर वाले व्यू से, जिसके अंदर कई कार्स फेरी से किनारे पर जा रही थी। किनारे पर पहुंचते ही सारी कार्स चली जाती है सिवाय एक ग्रे कलर की बीएमडब्ल्यू कार को छोड़कर, क्योंकि उसका ओनरशिप में नहीं था। पुलिस को बुलवाकर गाड़ी टो करा के उसे बाहर निकाला जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये कार एक माइक नाम के आदमी की है, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्रेसिडेंट के पास घोस्ट राइटिंग का काम करता था। और माइक की लाश समंदर के किनारे पाई गई थी और वो कैसे मरा ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब घोस्ट राइटर का मतलब होता है कि ए पर्सन हुज जॉब इज टू राइट मटेरियल फॉर समवन एल्स हु इज द नेम ऑथर, यानी कि बेसिकली किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखना, यानी आत्मकथा लिखना। फिर सीन मेन एक्टर पर आता है। ये मेन एक्टर होने के बावजूद इसे इस मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया है और ये अपने आप को घोस्ट बुलाता है। तो घोस्ट और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, तब घोस्ट का दोस्त उसे फॉर्मर प्रेसिडेंट के घोस्ट राइटर के डेथ के बारे में बोलता है और बोलता है कि एडम लैंग यानी कि एक्स प्रेसिडेंट को अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी करने के लिए एक नया घोस्ट राइटर चाहिए और रेनन आर्ट नाम की एक इंडस्ट्री को ये काम सौंपा गया है और उन्होंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। तो घोस्ट और उसका दोस्त दोनों उस इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उस बुक लिखने का काम घोस्ट को मिल जाता है और बुक लिखने के बदले उसे $250,000 मिलने वाले थे, मगर उनकी एक शर्त थी कि बुक सिर्फ एक महीने में ही कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 4 वीक्स में। घोष्ट ये बात मान लेता है और सैटरडे को रात में वो फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट जाता है। वहाँ न्यूज में फॉर्मर प्रेसिडेंट एडम लैंग के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में CIA की मदद से प्रिजनर्स को टॉर्चर करके मारने का गुना दाखिल हुआ था। फ्लाइट में बैठने पर भी न्यूज़पेपर में वो वही पढ़ता है। घोष्ट दो फ्लाइट्स बदल कर और एक शिप के अंदर ट्रैवल करके उस आइलैंड पर पहुंचता है जहां एडम लैंग रहता था। वहां उतरते ही टैक्सी से उसे एडम के घर पे ले जाया जाता है, जहां उसे एडम की सेक्रेटरी अपने साथ एडम के रूम में ले जाती है और पुराने राइटर ने लिखे हुए आधे बुक के पन्ने घोष्ट को देकर चली जाती है और जाते वक्त बोलती है कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ पढ़ने के लिए सिर्फ 6 घंटे हैं और उसके बाद एडम लैंग आ जाएगा। घोस्ट राइटर सब कुछ पढ़ लेता है और उसे पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि उसकी वर्डिंग्स और बाकी कई चीज़ें गलत थी और अब उसे कम समय में फिर से नई बुक लिखनी थी। तभी वहाँ पर एडम की पत्नी रूथ लैंग आ जाती है और बोलती है कि एक ब्रेक ले लो, और वो घोस्ट को लेकर लाइट हाउस के पास चली जाती है घूमने के लिए। और वो तब माइक के बारे में बोलती है कि माइक ने करीब 8 साल लगा दिए उस छोटी सी ऑटोबायोग्राफी की बुक लिखने के लिए और वो तब से एडम का बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया है। जब वो घूम के वापस आते हैं तो तुरंत गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ अपने प्राइवेट जेट में एडम खुद आता है और घोस्ट को अगले दिन आने बोलता है। अगले दिन सुबह जब घोस्ट ब्रेकफास्ट के समय में एडम लैंग से मिलने जाता है, तब वो एडम से उसके अर्ली लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछता है और एडम बोलता है कि वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और वो एक्टिंग में करियर करना चाहता था, लेकिन उसके बीवी के कारण वो पॉलिटिक्स में घुसा। फिर कुछ देर वो ब्रेक लेते हैं, तब एडम गुस्से में किसी से बात करता है और फोन तोड़ देता है और उस दिन वो लोग पूरा ही ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एडम पे दबाव बढ़ रहा था और फॉरेन ब्रिटिश सेक्रेटरी भी बगावत करता है एडम के खिलाफ। एडम को लीगल नोटिस आती है और वो टेंशन में आ जाता है और उसी वक्त घोष्ट को फोन आता है कि अब बुक पब्लिश 4 वीक्स यानी एक महीने में नहीं, बल्कि अभी वो तुम्हें 2 वीक्स में ही करनी पड़ेगी। उस रात टेंशन में घोष्ट होटल चला जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है और वो एडम के खिलाफ था, क्योंकि जब एडम प्रेसिडेंट था तब वॉर के समय उस आदमी का बेटा मारा गया था और तब से ही ये आदमी एडम के खिलाफ था। और आगे मूवी में ये आदमी क्या करने वाला है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगले दिन सुबह घोष्ट को फोन आता है कि तुम होटल से चेक इन कर लो, क्योंकि मीडिया और बाकी लोग होटल में जमा हो गए हैं। और घोष्ट इस बात की भी साइड बाय साइड तलाश कर रहा था कि माइक को किसने मारा।
जब घोष्ट एडम के पास जा रहा था तब लोग रास्ते पे आ गए थे और एडम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। घोष्ट को रहने के लिए माइक का पुराना कमरा दिया जाता है और एडम से मिलने तब तक CIA वॉर ऑफिशियल्स के मेंबर आए थे और एडम को कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जाना था। माइक के रूम में घोष्ट माइक की पुरानी चीजें फेंक रहा था और उसे ड्रॉअर के नीचे एक एनवलप मिलता है जिसमें कुछ क्लूज थे और उसमें घोष्ट को एक नाम मिलता है, पॉल एमिट का। उस रात घोष्ट माइक के लिखे हुए पेजेस को पढ़ रहा था और मार्किंग कर रहा था और अगले दिन माइक की वो सिल्वर कलर की BMW कार लेकर वो जाता है पॉल एमिट से मिलने, उसी शिप में और उसी समय में। पॉल एमिट से मिलने पर पॉल बोलता है कि वो सिर्फ एडम से मिला है, बाकी वो एडम को नहीं जानता। तब घोष बोलता है कि जब एडम का पुराना घोष्ट राइटर यानी कि माइक की मौत हुई थी तब वो तुमसे ही मिलने आया था और उसके बाद ही वो मरा। तब पॉल बोलता है कि वो उस समय आउट ऑफ टाउन था और वो उससे मिला ही नहीं। जब घोष्ट वहां से निकलता है तब उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक कार लगी हुई है और ठीक वैसे ही माइक के भी पीछे कार लगी थी, लेकिन घोष्ट उस गाड़ी को चकमा देता है और फिर शिप के फेरी में जाता है। लेकिन एक लास्ट गाड़ी आती है और वो वही गाड़ी थी जो उसका पीछा कर रही थी। घोष्ट जल्दी से गाड़ी से उतरता है और शिप से जंप करके बिना कार लिए भाग जाता है और एक होटल में जाता है और रिचर्ड को फोन करके सारी बात बोलता है। रिचर्ड वही है जिसने एडम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट करके इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। रिचर्ड उससे मिलने आता है और रिचर्ड बोलता है कि माइक जो बुक लिख रहा था उसके बिगिनिंग में उसने कुछ क्लूज छुपाए थे कि ये टॉर्चर का काम किसने किया था। यानी कि बात तो साफ थी कि एडम लैंग ने कुछ नहीं किया था और अगर किया था तो अकेले नहीं किया था। घोष्ट सारे कनेक्शंस गूगल पे ढूंढता है और उसे पता चलता है कि पॉल इमिट CIA का एक ऑफिसर था, यानी कि प्रिजनर्स को टॉर्चर जो कर रहा था उसमें पॉल का भी हाथ था और दूसरा कौन था ये बस ढूंढना था। फिर एडम और घोष्ट फ्लाइट में मिलते हैं और जब एडम फ्लाइट से नीचे उतरता है तो उसके खिलाफ लोग खड़े थे और उसकी वाइफ उसे पिकअप करने आई थी और तभी पीछे से वो आदमी जो घोष्ट को होटल में मिला था वो एडम पर गोली चला देता है। उस हत्यारे को पुलिस मार देती है लेकिन एडम भी मारा जा चुका था। कुछ दिन बाद होटल में घोष्ट से मिलने उसका दोस्त आता है। उस दोस्त के कहने पर एडम की ऑटोबायोग्राफी घोष्ट पूरी करके पब्लिश करता है और पब्लिशिंग डेट के प्रीमियर पे माइक की याद में घोष्ट उसके लिखी आधी बुक असिस्टेंट के हाथों देता है। तब वो भी बोलती है कि माइक ने कुछ क्लूज बुक के पहले पन्नों में छुपाए थे। तब घोष्ट एक रूम में जाता है और वहां पर वो पेजेस के फर्स्ट वर्ड को ज्वाइन करता है और वहां पर एक सेंटेंस बन के आता है कि रैंक्स वाइफ रूथ वॉज रिक्रूटेड एज ए CIA एजेंट बाय प्रोफेसर पॉल इमिट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि CIA की दूसरी एजेंट रूथ थी जो अब इस वक्त स्पीच दे रही थी और घोष्ट उसे एक कागज पर लिख के रूथ लैंग को लोगों के हाथों पास करवा के देता है। उसे पढ़ने पर रूथ घबराती है और माइक उसे वाइन का ग्लास दिखाकर वहां से बाहर निकलता है और रास्ते से वो जा रहा था कि तभी रूथ के आदमियों की गाड़ी घोष्ट को टक्कर मारकर उसे उड़ा देती है और सारे कागज हवा में उड़ जाते हैं और रूथ एडम के प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बन जाती है और मूवी इसी सैड एंडिंग पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी घोष्ट राइटर की मूवी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।